नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वड़कम, मैं रिचा, डिवाइन म्यूजिक ऑडियो चैनल पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस। सो आई होप आप अपना बहुत ख्याल रख रहे हो, बहुत स्वस्थ हो, एंड बिकॉज अगर आप स्वस्थ हो, आप खुश हो, आप स्माइल कर रहे हो, तो मेरी एनर्जी डबल हो जाती है। ठीक है, सो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आप मेरे चैनल की रीडिंग्स इन्जॉय कर रहे हो, एंड जो कंटेंट आप देखना चाहते हो आप मुझे ईमेल कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे, मैं ज़रूर कंसिडर करूँगी आपकी रिक्वेस्ट। ओके, एंड फ्रेंड्स, ज्योतिष टीवी पे मेरा वीडियो एक लाइव हो चुका है, तो उन्होंने मेरे साथ कोलैबोरेट किया था। तो अगर आप ज्योतिष टीवी आता है आपके घरों में तो आप बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है, एंजॉय कर सकते हैं मेरा वीडियो, ठीक है। और अभी एक और न्यू ईयर की रिक्वेस्ट आई है, 2021 के लिए रिक्वेस्ट आई है, तो वो वीडियो मैं बनाने जाऊंगी, बहुत जल्द बनाऊंगी, ठीक है। सो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं, आज के टॉपिक की बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन की, आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी कब जाएगी आपके पर्सन की लाइफ से, यानी कि आपकी लाइफ में तो नहीं है, आपके पर्सन की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो कब जाएगी, प्लस क्या चल रहा है दोनों के बीच में, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लस आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, वो भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। सो इट्स गोइंग टू बी अ सुपर डिटेल्ड रीडिंग, ओके, एंड चलिए। और मैंने यहाँ पे आज दो पाइल्स रखी है इसी वजह से, क्योंकि बहुत डिटेल रीडिंग होने वाली है। चलिए फ्रेंड्स, ठीक है, सो शुरुआत करते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। जो पाइल नंबर वन है वो है लवर, कार्ड्स मैंने रखे हैं, ठीक है, सिलेक्शन के लिए। पाइल नंबर वन है लवर, आई होप यू गाइस कैन सी, पाइल नंबर वन है लवर। पाइल नंबर टू है मनी, पाइल नंबर वन है लवर, पाइल नंबर टू है मनी, ओके। जिप्सी टैरो डेक, जिप्सी डेक ओरेकल कार्ड डेक में से कार्ड्स लिए हैं मैंने जो अब्रॉड से आए हैं। पाइल नंबर वन है लवर, पाइल नंबर टू है मनी, ठीक है। सो क्लोज योर आईज एंड टेक अ डीप ब्रेथ, एंड यूनिवर्स गॉड से खुदा से कहीं सी पाइल की तरफ आपको ले जाए, ओके। आप चाहे तो वीडियो यहाँ पे पॉज भी कर सकते हैं ताकि आप बेटर सेलेक्ट कर पाएं, ओके। ऑल राइटी, विल गेट स्टार्टेड विद पाइल नंबर वन, पाइल वन, ओके। चलिए पहले देखते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, ओके। पहला कार्ड है हर्मिट, दूसरा कार्ड है स्ट्रेंथ, ये कार्ड सारे रिवर्स में आए थे। Then we have the sun, page of wands, six of swords, the empress, and justice. तो जोडिक साइंस बता देती हूँ, पहले हमारे पास यहाँ पे है वर्गो, लियो, वर्गो और लियो, लियो बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे हमारे पास। सो आपका, आपके पर्सन का थर्ड पार्टी का साइन हो सकता है ये, वर्गो, लियो एंड टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ओके। ये साइंस बहुत डोमिनेंट है यहाँ पे, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि क्या चल रहा है दोनों के बीच में। आपकी जो पर्सन की थर्ड पार्टी है बहुत ही डोमिनेटिंग है, बहुत डोमिनेटिंग है, अपना रॉब चलाती हैं, अपना रॉब झाड़ते हैं, जो भी है, मेल फीमेल, ठीक है, मतलब आप अपने जेंडर के हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत रॉब झाड़ती हैं, बहुत जो है अपना डोमिनेट,
बहुत डोमिनेशन दिखाती हैं अपना बहुत ज़्यादा, और वो इमेच्योर भी हैं, काफ़ी मेच्योरिटी दिखाती हैं, ठीक है। दूसरा, इन लोगों का जो है काफ़ी झगड़े होते हैं इन लोगों के आपस में, ठीक है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड आया है, बहुत झगड़े होते हैं, इनके ईगो बैटल्स होते हैं साथ में, ठीक है। इनके ईगो बैटल्स होते हैं साथ में, इनके जो है पावर स्ट्रगल्स होते हैं साथ में, खुश नहीं है लोग साथ में। आपकी पर्सन जो है वो विड्रॉ कर चुके हैं इस कनेक्शन से, ठीक है। मतलब आप थर्ड पार्टी के साथ जो कनेक्शन है उससे आपके पर्सन विड्रॉ कर चुके हैं, ठीक है। मेरे मुंह से निकल गया सडनली कि विड्रॉ कर चुके हैं, अगर मैंने बोला है तो ये ऐसा हो ही गया होगा, ठीक है। यूनिवर्स ने अगर मुझे सब बुलवाया है तो ऐसा हुआ होगा, ठीक है, कि आपके पर्सन जो है विड्रॉ कर चुके हैं इस कनेक्शन से, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया अब इस कनेक्शन में। अच्छा, मुझे लग रहा है कि हो सकता है ये पर्सन जो है कुछ केसेस में, अगर तो ये इनकी वाइफ थी, जो अगर ये इनकी वाइफ थी, हो सकता है इनके बच्चे की मदर भी हो वो, इनके इनके इनका एक बच्चा भी हो सकता है उनके साथ ही, हो सकता है प्रेगनेंसी के चक्कर में उन्होंने छोड़ा हो आपको, या उन्होंने हो सकता है इनका लीगल बैटल चल रहा हो थर्ड पार्टी के साथ में, ठीक है। तो उनके मैरिड भी हो सकते हैं, हो सकता है कि अगर आपको पता है कि आपके पर्सन मैरिड हैं तो मतलब हो सकता है इसी चक्कर में उनका प्रेगनेंसी आ गई हो उनकी वाइफ को, तो इस चक्कर में उसके आपके कनेक्शन में दरारें आई हों, सॉरी। ये कुछ चैनल मैसेज था किसी के लिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो ठीक है, वेल एंड गुड, अगर ऐसा नहीं है तो उस मैसेज को आप इग्नोर कर दीजिए। तो अगर या तो अगर प्रेगनेंसी नहीं आई थी, अगर उनके बच्चे की मदर नहीं है, तो फिर ये था कि पर्सन उसके इनके साथ मैरिड थे, ठीक है, या इनका कोर्ट केस चल रहा है इनके साथ, लीगल बैटल चल रहा है इनके साथ में, ठीक है। आपके पर्सन जो हैं इस कनेक्शन से बाहर आने के लिए, आई एम गेटिंग, तड़फ रहे हैं वो बाहर आने के लिए इस कनेक्शन के लिए, उनका दम घुट रहा है, ठीक है। मुझे ये, मेरे सब कुछ चैनल्ड है फ्रेंड्स, मैं जो बोल रही हूँ सब कुछ चैनल्ड है, ठीक है। आपके पर्सन जो हैं आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन के रूप में देखते हैं, हम देखेंगे उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, वो भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, उनका लीगल बैटल चल रहा है, ईगो ईगो बैटल्स चल रहे हैं इस पर्सन के साथ, उनके पावर स्ट्रगल्स चल रहे हैं इस पर्सन के साथ। हो सकता है इस पर्सन ने शादी का ऑफर करा हो आपके पर्सन को, कि फेक प्रेगनेंसी का बोल के, मतलब मैरिज के लिए बोला हो आपके पर्सन को, ठीक है। और आपके पर्सन ने जो है, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अग्री किया था, या कुछ किस्म हो सकता है अग्री कर भी लिया, और लेकिन इवेंचुअली वो उस कनेक्शन से बाहर आना चाहते हैं, ठीक है। मोस्ट केसेस में उन्होंने अग्री नहीं किया था। मुझे आपके पर्सन एक बहुत ही हाई वैल्यू पर्सन लग रहे हैं, जिनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, और वो हर किसी को अपनी लाइफ में अलाउड नहीं करते, आपकी जगह उनकी लाइफ में कोई नहीं ले सकता, ये चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है, ठीक है। आपने सेलेक्ट किया था लवर, ठीक है, तो हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी है इनकी लवर हो, ठीक है। कुछ केस में अगर उनकी मदर थी तो वो अपनी मदर को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उनकी मदर को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, आप उनके लिए राइट पर्सन हो, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम गेटिंग अ विजन ऑफ समबडी हु इज़ अ सिबलिंग, सिबलिंग आपके पर्सन का कोई सिबलिंग है, ब्रदर या सिस्टर है, ठीक है, जो जिसको शायद पता है आपके बारे में, एंड जस्ट चैनल मैसेज, ठीक है। तो वो जो है उनके ब्रदर या सिस्टर आपके फेवर में है, शायद कुछ लोगों के लिए उनके फेवर आपके फेवर में है, तो वो उनका सपोर्ट लेकर अपनी मदर को कन्विंस कर रहे हैं आपको, आपके बारे में। ये चल रहा है, चीज़ें स्मूथ नहीं हैं दोनों के बीच में, पर वो थर्ड पार्टी जो है वो दिखाती है ऐसे होगी कि हम तो बड़े मस्त हैं, बड़े खुश हैं, बड़े हमसे अच्छी लाइफ किसी की नहीं है। चलिए अब देखते हैं थर्ड पार्टी छोड़ के कब जाएगी। हमारे पास कार्ड आया है फोर ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी जो है काफ़ी इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं है, क्लिंगी है, बहुत ज़्यादा क्लिंगी है, जैसे कुछ लोग चिपक जाते हैं ना, बिल्कुल मतलब उस तरह से है, कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, ठीक है। तो यू आर अ हाई वैल्यू पर्सन, ओके, आप हाई वैल्यू पर्सन हो, लेकिन आपकी जो उन आपके पर्सन की जो थर्ड पार्टी है उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, वो क्लिंगी है, हो सकता है वो पैसों को लेकर इनके पीछे आए हों, या तो कुछ पैसे,
पैसों को लेकर हो सकता है उनके पीछे आए हों, या आपके पर्सन पावरफुल हैं इसलिए उनके पीछे आए हैं जो थर्ड पार्टी है, ठीक है। तो ये चीज़, ये फीलिंग मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रही है, कोई पर्सनल प्रॉफिट की वजह से उनके पीछे आए हैं आप जो थर्ड पार्टी है, ठीक है। बहुत ही सेल्फिश हैं, बहुत ही सेल्फिश, ठीक है। ऐसे लोग वो होते हैं जो क्या कहते हैं कि जोंक की तरह चिपक जाते हैं किसी की लाइफ में, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि आप तो सेल्फलेस पर्सन हो, आप तो सैक्रिफाइसिंग हो, आपने जो है बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया इस कनेक्शन के लिए, आप सेल्फलेसली प्यार करते हो, अनकंडीशनली प्यार करते हो। लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है ऐसी नहीं है, कंपैरिजन ही नहीं है भैया, नो कंपैरिजन, ठीक है। और ये थर्ड पार्टी 4 महीने में जा सकती है आपके पर्सन की लाइफ से, 4 मंथ्स में, ठीक है। 4 मंथ्स में थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ से चली जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। स्टॉर्म वार्निंग, एक्शन, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, एंजल ऑफ बैलेंस, ओ वाओ, हैप्पी फैमिली। तो आपके पर्सन जो है उनको लगता है कि उनको आप तक आने के लिए एक तूफान से गुजरना पड़ेगा, ये तूफान उनकी थर्ड पार्टी है, उनको लगता है कि उनको आप तक आने के लिए एक तूफान से गुजरना पड़ेगा, स्टॉर्म से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तूफान का सामना करना पड़ेगा आप तक आने के लिए, और वो कर भी रहे हैं फिलहाल तूफान का सामना आप तक आने के लिए, ठीक है। वो एक्शन लेना चाहते हैं क्योंकि वो रेस्ट एंड रिजुविनेशन के मोड में रहे हैं बहुत टाइम तक, यानी कि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड होता है ये, रेस्ट एंड रिजुविनेशन मोड में रहे, यानी कि मुझे कोई एक्शन नहीं लेना, मुझे कोई बात नहीं करनी। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है 19 डेज में पर्सन आपको रेस्ट एंड रिजुविनेशन मोड से बाहर आके आपको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन जो है मतलब एक्शन लेने के मोड में आ गए हैं अब, कि उनको तूफान का सामना करना है, उनको बहुत सोच विचार करके, फिर सोच विचार कर लिया उन्होंने, अब उनको बाहर आना है सोच विचार के मोड से, ठीक है। और अब वो बैलेंस बना के रखना चाहते हैं आपकी रिलेशनशिप में, वो बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं आपकी रिलेशनशिप में, ओके फ्रेंड्स। एंड देन वी हैव हैप्पी फैमिली। ये पर्सन ना सिर्फ बैलेंस बनाना चाहते हैं अपनी मतलब आपके साथ इस कनेक्शन में, बल्कि वो चाहते हैं कि आप लोगों की शादी हो, ठीक है। वो शादी करना चाहते हैं आपसे, वो आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहते हैं। दिस इज़ लाइक द 10 ऑफ कप्स कार्ड। सो ये पर्सन जो है हो सकते हैं अपनी फैमिली से भी आपको इंट्रोड्यूस कराएं, 4 महीने के अंदर ही पर्सन अपनी फैमिली से आपको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। जैसे मैंने कहा 4 महीने के अंदर ही थर्ड पार्टी चली जाएगी उनकी लाइफ से, तो जैसे ही वो जाती है वैसे ही पर्सन अब स्टेप लेंगे आपकी तरफ, ठीक है। या वो ऑलरेडी प्रिपेयर करना शुरू कर देंगे कैसे अपनी फैमिली को आपके बारे में बताना है, ठीक है। तो ये उनकी फीलिंग्स हैं आपको लेकर, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, ये थी पल 1 की रीडिंग, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ओके। सो मैं आपको मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए पल 1, बाय बाय। चलिए, हेलो पल 2, हाउ आर यू गाइस, ओके। जिन्होंने कार्ड सेलेक्ट किया था मनी, ओके मनी, हो सकता है कि जो आपके पर्सन है पैसा कमाने में लगे हुए हैं, करियर ओरिएंटेड ज़्यादा हैं, ठीक है। और हो सकता है जो थर्ड पार्टी है वो पैसे के पीछे आई है इनके इनके पास, ठीक है। होते हैं भाई कुछ लोग, अब हर कोई हम लोगों की तरह इंडिपेंडेंट नहीं होता ना, है ना, हर कोई हमारी तरह इंडिपेंडेंट सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता, कुछ लोगों को चाहिए होते हैं कुछ ATM कार्ड्स, ठीक है। अब देखते हैं आपके पर्सन क्या सोचते हैं, ठीक है। चलिए, हमें तो नहीं चाहिए होता ATM कार्ड, हम अपने खर्चे भी खुद उठा सकते हैं, हम अपना लाइफ स्टाइल खुद मेंटेन करके रख सकते हैं, राइट पीपल, राइट फ्रेंड्स, राइट फ्रेंड्स, ओके। सो जो लोग अग्री करते हैं मेरे साथ वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा यस मैम, ठीक है। चलिए, ओके, अब देखते हैं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। ऑन अ सीरियस नोट, पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, ओहो, जजमेंट इन रिवर्स, द लवर्स इन रिवर्स, ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, क्या बात है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, आई एम लविंग,
The Wheel of Fortune in reverse. I'm loving it. Okay, then we have Three of Cups upright. Finally, upright card भी आ गया एक. ठीक है, and as you can see, मेरे जो cards हैं सारे ही upright हैं, reverse कोई भी नहीं है. ठीक है, चलिए देखते हैं क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में. भाई थ्री ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है तो थर्ड पार्टी तो है आपके कनेक्शन में, कॉन्फर्मेशन है ये. और ये लोग दिखाते ऐसे होंगे कि हम लोग तो बहुत पार्टी करते हैं, बहुत यू नो वी पार्टी अ लॉट, वी ड्रिंक अ लॉट, वी डाइन एंड वाइन अ लॉट, यू नो कि वी आर वेरी हैप्पी. दे माइट बी प्रटेंडिंग, पिक्चर्स वगैरह पोस्ट करते होंगे सोशल मीडिया पे, या एक दूसरे की पिक्चर्स बहुत लाइक करते होंगे. ठीक है, दैट जस्ट अ चैनल मैसेज फॉर सम ऑफ यू. ठीक है, आपके पर्सन पहले कन्फ्यूज थे, बहुत अट्रैक्शन था इस कनेक्शन में, प्यार था इस कनेक्शन में, यानी कि थर्ड पार्टी के साथ इस कनेक्शन में, जिस चक्कर में उन्होंने आपको आई एम सॉरी टू से या तो उन्होंने आपको इग्नोर कर दिया. आपका गिफ्ट ऑफ लव जो है, आपका कप ऑफ लव है, वो उन्होंने जो गॉड उनको गिफ्ट देना चाह रहे थे वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो वो आपको छोड़ के चले गए. ठीक है, तो लेकिन अब जो है उनकी आंखें खुल रही हैं, उनको पता चल रहा है कि थर्ड पार्टी उनके लिए जो उनकी अवेकनिंग हो रही है आपके पर्सन की, वो जो है उनको पता चल रहा है कि सेल्फिश मोटिव की वजह से थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में आई है, कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, आपकी तरह कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आपने उनसे कभी कुछ नहीं मांगा. ठीक है, और जजमेंट का कार्ड रिवर्स में आया है, तो इस कनेक्शन का एंड होने वाला है फ्रेंड्स. ठीक है, इस कनेक्शन का एंड होने वाला है. आपके पर्सन पहले बहुत इमेच्योरली बिहेव कर रहे थे, वो मेच्योरली एक्ट करेंगे. ठीक है, वो मेच्योरली बिहेव करेंगे अब इस कनेक्शन में. ठीक है, इस कनेक्शन में कुछ फाइनेंशियल लॉसेस भी हुए हैं आपको, आपके पर्सन को हुए हैं शायद. ठीक है, पता नहीं मैंने आपको क्यों बोला, हो सकता है आपको कुछ लोगों को हुए हों फाइनेंशियल लॉसेस आपके पर्सन के चक्कर में, करियर का कुछ लॉस हुआ हो. तो आपके पर्सन डेफिनेटली पहले कंफ्यूज थे. ठीक है, लेकिन अब उनका कंफ्यूजन क्लियर हो रहा है. ठीक है, क्योंकि वी हैव द लवर्स कार्ड इन रिवर्स, विच इज द लवर्स कार्ड अपराइट आता है, तो पर्सन के पास चॉइस होती है. ठीक है, रिवर्स में आया है तो इसका मतलब उनकी चॉइस अब क्लियर है कि उन्होंने आपको चूज करना है. टू ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड रिवर्स में आया है, विच इज़ अ वेरी गुड ओमन. ठीक है, दैट मीन्स कि अगर ये अपराइट में आता है, इसका मतलब होता है कि कन्फ्यूजन है, इनडिसीजन है, सबसे बड़ी बात इनडिसीजन है. लेकिन रिवर्स में आया, इसका मतलब फैसला कर लिया आपके पर्सन ने. ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बहुत उतार चढ़ाव चल रहे हैं इनके कनेक्शन में. मतलब पहले हो सकता है आपके पर्सन को लग रहा होगा कि नहीं ये तो फेटेड कनेक्शन है, लेकिन अब उनको पता चल रहा है कि नहीं ये कार्मिक कनेक्शन है. ठीक है, आपके पर्सन जो है वो आपके बिना खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं. मुझे चैनल मैसेज आ रहा है ड्रिंकिंग एंड क्राइंग. ओके, तो उसके आपके पर्सन ड्रिंकिंग एंड क्राइंग कर रहे हो, आपको सोच सोच के ड्रिंक कर रहे हो, रो रहे हो आपको सोच के, चैनल मैसेज था. तो थिंग्स आर नॉट फाइन बिटवीन थर्ड पार्टी एंड योर पर्सन. ठीक है, चीज़ें ठीक नहीं चल रही दोनों के बीच में, डिस्टर्बेंस बहुत चल रहा है, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं दोनों के बीच में, डिसएग्रीमेंट्स चल रहे हैं दोनों के बीच में, रिकॉन्सिलेशन की कोई उम्मीद नहीं है. ठीक है, लेकिन थर्ड पार्टी कोशिश कर रही है. ठीक है, रिकॉन्सिलेशन की, तो देखते हैं कि देखते हैं कि थर्ड पार्टी कब जाएगी आपके पर्सन की लाइफ से. लेकिन मैं पहले आपको जोड़े साइंस बता देती हूँ. जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज. आई डोंट नो व्हाई आई सेड एरीज, हो सकता है आप में से किसी कोई एरीज हो या आपके पर्सन का साइन एरीज हो. जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड लियो. ठीक है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी है यहाँ पे. तो चलिए अब देख लेते हैं, अगर आपके जोडिक साइंस नहीं थे लेकिन रीडिंग रेजोनेट करी है तो कोई बात नहीं, आप रीडिंग के मैच कर लीजिए, रीडिंग देख लीजिए. ठीक है, अभी रीडिंग बाकी है मेरे दोस्त, कहाँ जा रहे हो आप. एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो एट वीक्स में, आठ हफ्तों में आपके पर्सन की लाइफ से थर्ड पार्टी चली जाएगी. ठीक है, आप जिस भगवान को बिलीव करते हो उनका नाम लिख के प्रे कीजिएगा. ठीक है, कॉमेंट सेक्शन में, कि वो थर्ड पार्टी चली जाएगी आपके पर्सन की लाइफ से. ठीक है, अब देखते हैं कहाँ जा रहे हैं फ्रेंड्स, रीडिंग अभी बाकी है मेरे दोस्त. ठीक है, अभी लास्ट जो पार्ट है इस रीडिंग का वो ये है कि आपके पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं. ठीक है, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल.
हीलर ऑफ द एजेस, केयरिंग कनेक्शंस, द थिंकिंग वुमेन, द वर्ल्ड. सो इम्पॉर्टेंट नंबर्स बता देती हूँ, 35, 51, 29, 47 एंड 14. ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं आपके लिए. ठीक है, सो आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपके बारे में भाई? यू आर द वर्ल्ड फॉर देम. आप उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो, वो दिखाएं ना दिखाएं, लेकिन आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो. अब उनको एहसास हो रहा है, आई एम गेटिंग रियलाइजिंग योर वर्थ. तो आपके पर्सन को आपकी वर्थ का एहसास हो रहा है. अब एक्सक्यूज मी फॉर माई वॉइस. ओके, सो देन वी हैव, आप हीलर हो सकते हो, आपके पर्सनल हीलर हो सकते हो, आप लाइट वर्कर हो सकते हो. ठीक है, या आपके अंदर वो साइकिक एबिलिटीज शार्प हो सकती हैं आपकी. ठीक है, या आपकी इंट्यूशन शार्प है, आपसे कुछ छुप नहीं सकता. आपके अंदर वो, आप काफ़ी नर्चरिंग और केयरिंग हो. ठीक है, और आपके पर्सन को दिख रही है अब ये चीज़ कि आप उनकी जेन्युइनली केयर करते थे, आप उनकी जेन्युइनली उनकी परवाह करते थे. चैनल मैसेज मुझे आ रहा है, जब सबने साथ छोड़ दिया तब आपने उनका साथ दिया. ठीक है, तो अब उनको एहसास हो रहा है इस बात का फ्रेंड्स. ठीक है, और आपके पर्सन को एहसास हो रहा है कि आपके शब्द, आपकी प्रेजेंस उनको कितना हील करती थी. ठीक है, अब आई एम गेटिंग मिसिंग यू. अब वो इन सब चीज़ों को मिस कर रहे हैं. चैनल मैसेज, ठीक है, केयरिंग कनेक्शंस, आपकी केयर करना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं पीछे से, और आपको फ्लावर्स देना चाहते हैं, आपको स्पेशल फील कराना चाहते हैं, आपको जो है स्पेशल फील कराना चाहते हैं. ठीक है, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल का कार्ड है, तो ये पर्सन स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ. ठीक है, आप आर्कएंजल माइकल को बुलाएगा आपके कनेक्शन को हील करने के लिए, तो ये पर्सन आपकी तरफ आ जाएंगे. ठीक है, सो चलिए, ये थे आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए. ठीक है, मुझे ज़रूर बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी. प्लीज़ इग्नोर द नॉइज़ इन द बैकग्राउंड. आपको आपके पर्सन को सॉरी आपको आज की रीडिंग कैसी लगी? बहुत नॉइज आ रहा है बैकग्राउंड में. आपके पर्सन की बारे में जो भी मैंने रीडिंग आज करी वो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएगा. मैं आपको मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सेयोनारा, गॉड ब्लेस यू.